इसने हमारे माँ का कत्ल किया है, इसने लेली से मामा को मारा, मास बाबा को मारा, फिर मरियम को मारा, ये सबका कातिल है। आशिक, हाँ टिकट हो गया क्या? एक घंटे बाद का? अबे तब तो अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ चल, इस टाइम पे कौन आ गया? क्या हो गया? आ रहा हूं, दरवाजा तोड़ोगे क्या? इतनी जल्दी भी क्या है भाई? मैंने तुझे मना किया था ना कि जब तक मैं तुझे फोन ना करूं तू मुझे फोन नहीं करना, और तू ये के घर पे ही चलाया मेरे। आशा भाई मुझे पैसे चाहिए थे, तुमने फोन करने को मना किया था, मुझे मजबूर घर आने पड़ा। और हाँ, तुमने वादा किया था मुझे पूरे पैसे दोगे। तो तूने काम भी तो गलत किया है। मुझे नहीं पता, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। अबे कौन से पैसे? देख, मेरी तेरी डील हुई थी कि तूने मनाइल को खत्म करना है, लेकिन तूने तो सोफिया को ही मार डाला यार। अली, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिल जाएंगे तेरे पैसे यार, कहाँ भागा जा रहा हूँ मैं? चल निकल अभी, चल जा 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 जा। कैसे आना हुआ? हाँ क्या हो गया? आजा चल बैठ के बात करते हैं। आजा चल, आजा ना। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मामा अली को कब से कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। फिक्रमंद हो रही हूँ उसके लिए, काफी देर से बाहर निकला हुआ है। इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है, बच्चा तो है नहीं जो रास्ता भूल गया घर का। कहाँ जाना है उसने, यहीं वापस आएगा। खामखा तुम परेशान हो रही हो। मामा वो शौहर है मेरा, अच्छी बीवियाँ अपने शौहरों के लिए फिक्रमंद रहती हैं। तुम उसकी इतनी फिक्र करती हो तभी वो तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है। उसको उसकी जगह पे रखो, औकात में रखो, देखो कैसे सीधा होता है। मामा मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही मैं आज तक चुप बैठी हूँ, वरना वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था। इधर आना, बैठ मेरे साथ, मैं तुझे समझाता हूँ। बैठ जा, बैठ जा। देख तू उसकी बातों में क्यों आ रहा है। अरे नहीं बैठना मुझे तेरे साथ, नहीं सुननी तेरी बकवास, घिन आ रही है मुझे तुझसे। कातिल है तू मेरी माँ का, कातिल है। अली मेरी बात सुन, तू किस आदमी की बातों में आ रहा है यार? उसने मुझसे पैसे लेने इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उल्टा सीधा भके जा रहा है। झूठ बोल रहा है तू, और जो सच है वो मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। कातिल है तू मेरी माँ का। क्या हो गया है तुझे, तू अपने बाप पे शक कर रहा है? हाँ हाँ, शक नहीं यकीन है मुझे। बचपन से लेके आज तक तूने मेरी और मेरी बहन की हक तलफी की, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा तुझसे, और आज तू इतना गिर गया कि मेरी माँ का कत्ल कर दिया तूने। मैं फिर भी तेरा बाप हूं। अरे बाहर में जाए ऐसा बाप, बाहर में जाए, जिसने कभी अपनी औलाद का नहीं सोचा, जिसने सोचा तो सिर्फ अपने बारे में। अरे पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता है, कुछ फराइज होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, निभानी पड़ती है उनको, लेकिन तूने सिर्फ अपनी अय्याशियों का सोचा,
तूने दौलत के नशे में आकर मेरी माँ और अपनी बीवी का कत्ल किया है। देख मैं तुझसे जो बोलना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी माँ को गलत समझा, लेकिन आज तेरे करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूं, जान से, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं तुझे। ए, किसे फोन कर रहा है तू? चुप। ए, अली भाई तेरा बाप। हेलो। ऐसे अपनी हालत बना के रखोगी? मैं तो बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ मानूर। ऐसा नहीं कहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। जिंदगी तो चलती रहती है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी। उठो, इस कमरे से बाहर निकलो। तुमने तो अपने आप को बिल्कुल कमरे में कैद करके रख लिया। अपने कमरे में ठीक हूँ, मेरा अब कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। मेरा कोई राह ही नहीं। अली तुमसे बहुत प्यार करता है मनाही। इन हालात में जितनी तुम्हें अपने भाई की जरूरत है, उतनी अली को जरूरत है अपनी बहन की। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, उन्हीं के लिए नॉर्मल हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए हालात, ये वक्त बहुत मुश्किल है, और ऊपर से दानियाल भाई का रवैया। मैं जानती हूँ तुम्हें उनका रवैया बहुत दुख पहुंचाता है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, मैं खुद बात करूंगी दानियाल भाई से, समझाने की कोशिश करूंगी उन्हें। तुम अब मेरे मुतालिक उससे कोई बात नहीं करोगी? जब उसको मुझ पर एतबार ही नहीं है तो कैसा रिश्ता? जिन रिश्तों में एतबार नहीं होता ना, वो रेत की तरह हाथों से पिसल जाते हैं। ऐसा नहीं है मना है, मुझे पूरा यकीन है वक्त के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो शाबाशी, रोना बंद करो और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। भागने की कोशिश मत करना बादशाह, मैं गोली चलाते वक्त जरा भी सोचूंगा नहीं। आप इस एक मेरी बात सुन ली, मेरे बच्चे अब भी वक्त है पुलिस वालों को फोन करके मना कर दे, उनसे कह दे कि तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ,
अबे मैं तेरा बाप हूँ बादशाह, मैं जेल में क्या करूंगा यार? तुझसे कैसे बर्दाश्त होगा कि तेरा बाप सलाखों के पीछे? मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों का नजर ही नहीं आऊंगा। मैं तेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता हूँ बादशाह, तेरे मकाफाते अमल शुरू हो चुका है, तेरी सजा मुकर्रर हो चुकी है, तुझे तेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये देख, मैंने अपना बैग भी तैयार कर लिया, सारा सामान इसके अंदर रख दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम लोग को मेरी शक्ल भी नजर नहीं आएगी। हाँ, मैं चला जाऊंगा बहुत दूर। तुझे क्या लगता है जो गुनाह तूने किया उसके बाद तेरा कोई चेहरा देखना भी चाहेगा? नहीं, तू जैसा घटिया और कमीना शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देख अली, आज तक किसी बाप ने अपने बेटे के पांव कभी नहीं पकड़े होंगे। अली देख, देख मैंने तेरे पांव पकड़े हुए, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे पुलिस से बचा ले अली। अरे मुझे पुलिस से बचा ले, पता देख तेरे पांव पकड़े हुए, मुझे पुलिस से बचा, मेरे बेटे मेरी जान, मुझे पुलिस से बचा, तू मेरे पांव पकड़ या मेरे आगे हाथ जोड़, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरी नजरों में गिर चुका है, बाप खिलाने के लायक नहीं रहा तू। मैं तेरा बाप हूं यार। आइए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए शख्स को। खुदा बख्श, गिरफ्तार कर उसको। दानियाल बेटा, वो मैं हाईवे वाला प्लॉट देखाया था आज, तो मैं कह रहा था कि आप भी ज़रा टाइम निकाल के देखा ना। मेरे ख्याल से हमारी फैक्ट्री के लिए बड़ी आइडियल लोकेशन है, तो एक दफ़ा बेटा प्लीज़ ज़रा जाके आप विज़िट कर लेना। अब आपने देख लिया है तो अच्छा ही होगा, आप खुद ही फैसला कर लें। बेटा मैं कैसे फाइनल कर सकता हूँ आपके अप्रूवल के बगैर? और देखो बेटा, मेरे पास आपने और अली ने इस बिजनेस को संभालना, तो आपको बिजनेस में इंटरेस्ट तो लेना होगा ना। और मेरी मानो तो बेटा, प्लीज जरा बिजनेस में काम में जरा इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। देखो जिंदगी की जितनी भी टेंशन्स होती है ना, वो काम से काफी हद तक दूर हो जाती है। बेटा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा अली पता नहीं कहाँ चला गया है, सुबह से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। तो बेटा अली कुछ बता कर नहीं क्या आपको? नहीं बाबा, अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कॉल करता हूँ उसको। एक मिनट, लो भाई अली की कॉल। हेलो अली बेटा, आप किधर हो? मानूर कब से कॉल कर रही है, आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या नहीं, क्या कह रहे हो आप? नहीं अली बेटा, है बेटा ऐसे क्या हुआ? पापा सब ठीक तो है? क्या हुआ बाबा, कहाँ है अली? मिनाहिल ठीक कह रही थी बिल्कुल। बादशाह ने मार दिया उन्हें, बादशाह ने मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी भतीजी को, सोफिया को, सबको मार दिया उसने।
क्या फायदा रोने का? इतना अरसा बादशाह हमारे साथ रहा और हमें पता ही नहीं चला कि वो अलीजी और मास का कातिल है। इसी बात का तो दुख है मुझे कि मेरे भाई का कातिल सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने रहा, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने मास के साथ बच्चा नहीं किया, उसके साथ बहुत बुरा किया। जिंदगी में और मरने के बाद भी मैंने उसके साथ बहुत बुरा। जुबैर आप प्लीज परेशान मत हो, आप देखिएगा बादशाह को जरूर सजा मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान ना। मैं तुमसे कह रहा था परहीन के मिनाइल ऐसे ही इतनी बड़ी बात नहीं कर सकती, और देख लिया तुमने, बच्ची सच कह रही थी और हमने उसकी बात नहीं मानी। उसमें लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, इस शहर का बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगा लेकिन बादशाह को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा उसे मैं कि दुनिया देखेगी। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप परेशान ना तो, और आप बिल्कुल बादशाह को मत छोड़िएगा। उसने बेगुनाह लोगों की जान ली है। अलीजी और मास तो गैर थे लेकिन सोफिया तो उसकी अपनी बीवी है। अरे ऐसे लोगों के लिए ना ये रिश्ते नाते ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, ट्रस्ट मी। लोग जालिम होते हैं, बहुत जालिम होते हैं। और तुम्हें पता है? असल में वो मिनाइल को मरवाना चाह रहा था, अपनी बेटी को, अपनी सगी बेटी को। सोफिया को पता चला, वो जाके उसे बचाने गई, अपनी जान कुर्बान कर दी उसने। और उस शख्स को जरा सा भी तरस नहीं आया किसी पे। अच्छी औरत थी वो, एक अजीम औरत, एक अजीम मां। लेकिन हम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। चाहे सौतेली हो मानता। बड़ी मामा मेरा तो ख्याल है कि आप दानियाल भाई की किसी अच्छी जगह पे एंगेजमेंट कर दें, कहीं इस दुख का सहारा लेकर वो दानियाल भाई के करीब ना चली जाए। क्या चाहती हो तुम, जो मनाहिल का रिश्ता कहीं और करवाने की कोशिश में लगी हुई हो? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे इरादों को मैं। चाहे सौतेली हो मानता।